तीन बैठकें हुई प्रिविलेजेस एंड एथिक्स कमेटी की, और कल की जो बैठक थी 9 नवंबर की बैठक, उसमें यह निष्पत्ति लिया गया कि हम महुआ मैत्रा जी का लोकसभा से निष्कासन का प्रस्ताव आदरणीय लोकसभा स्पीकर के पास भेजेंगे, और उस रिपोर्ट को भी ग्रहण किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, वोटिंग कराई गई, तीसरी बार वोटिंग हुई, 3 दिन में 3 बार वोटिंग हुई, और कल की वोटिंग में भी 6-4 का परिणाम हुआ, 6 समर्थन में और 4 विरोध में। तो हमने फिर रिपोर्ट भेजने का प्रस्ताव पारित किया, और मुझे लगता है आज कल के अंदर आदरणीय चेयरमैन साहब श्री विनोद सोनकर जी रिपोर्ट भेज देंगे, और उसके बाद लोकसभा स्पीकर निश्चित करेंगे कि क्या करना है। देखिए, उनकी ऐसी नकारात्मक प्रतिक्रिया तो आनी ही थी। ऐसा है कि महुआ मैत्रा जी को यह समझना चाहिए कि वो एक पार्लियामेंटेरियन हैं, वो कांच के घर में रहती हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं, पूरा देश उनको देख रहा है, और कृष्ण नगर जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, जो उनका संसदीय क्षेत्र है, उसका तो हर एक व्यक्ति उन्हें देख रहा है। तो कहीं ना कहीं आचार विचार संस्कार में हम सबको संयम बरतना पड़ता है। हम पार्लियामेंटेरियन हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, तो अगर हम लक्ष्मण रेखा के ऊर्ध्व जाएंगे तो इस तरह की बातें होंगी, अगर हमारे व्यवहार पर हमारा नियंत्रण नहीं रहेगा तो इस तरह की बातें होंगी। और देखिए, ऐसा है कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स दूसरों के साथ शेयर किया जाए तो बिल्कुल गलत है। अगर अपने स्टाफ के साथ वो शेयर करती, जो हम भी करते हैं, तो वो गलत नहीं है। हमारा स्टाफ हमारे क्वेश्चंस हमारे अप्रूवल के बाद हमारे मेंबर पोर्टल पर अपलोड करता है। लेकिन जहाँ तक उनका सवाल है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुबई में रहते हुए एक व्यक्ति को, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, जिनका इंडिया में इंटरेस्ट है, बिजनेस इंटरेस्ट है, उन्हें कहा कि इसे अपलोड किया जाए। देखिए, ये कहाँ तक जायज़ है? आईडी पासवर्ड देना ये तो बिल्कुल गलत है। अगर आप एनआईसी के भी नीति नियम को देखेंगे, और हम एनआईसी के द्वारा ऑपरेटेड होते हैं, तो अगर हम एनआईसी के नीति नियम को देखेंगे तो पहली बात कही जाती है कि हम अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं किसी के साथ साझा न करें। तो उन्होंने किस स्थिति में ऐसा किया, और जैसा हम कहते हैं उसके बाद की बात हुई मनी ट्रेल की, कैश आए, गिफ्ट आए, और वो एफिडेविट में है, सारी बातें एफिडेविट में लिखी हैं। 20 अक्टूबर हीरा नंदानी ने एफिडेविट दी, और एफिडेविट स्वोर्न एफिडेविट था। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, चिट्ठी लिख के दे देना अलग होता है, एफिडेविट देना अलग होता है, और ये जो स्वेरिंग हुई एफिडेविट की हीरा नंदानी जी के द्वारा, या वहाँ के दुबई में जो नियुक्त हैं हमारी वाइस काउंसिल, काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया की जो वाइस काउंसिल हैं, उनके समक्ष इसे साइन किया गया, तो निश्चित तौर पर इसकी अथॉरिटी है। और इसका अर्थ हुआ कि हीरा नंदानी जी ने जो भी बातें लिखी हैं वो बिल्कुल सच है। तो बार बार कहा गया कि हीरा नंदानी जी का क्रॉस एग्जामिनेशन हो, क्यों, ज़रूरत ही नहीं है, जब एफिडेविट दिया गया है तो वही बात वो आके दोहराते। तो इसी वजह से मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूँगी कि उन्होंने गलत काम किया, अनएथिकल काम किया, अनैतिक कार्य किया, तो इसमें मैच फिक्सिंग का कहाँ सवाल उठा? किसने इसे फिक्स किया? किसी ने नहीं किया। 543 लोकसभा के सदस्यां हैं, तो 542 के विरुद्ध तो इस तरह का कंप्लेंट नहीं आया, सिर्फ एक महुआ मैत्रा जी के विरुद्ध में आया। तो कहीं ना कहीं पूरी बात को ठीक ढंग से, मुझे लगता है, संतुलन के साथ देखने की ज़रूरत है।